Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't got the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminal soul of myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. यामाहा की ओर से इंडिया में ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि 125 सीसी में कमिंग सून में चल रही हैं। यामाहा ने हाल ही में यूरोपियन मार्केट में यामाहा XSR 125 को तो लॉन्च कर ही दिया है, वो आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन भाई यामाहा की ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जो कि इंडियन मार्केट में 125 सीसी में कमिंग सून में चल रही हैं, जैसे कि यामाहा की MT 125 और यामाहा की R 125 और यामाहा FZS 125। और भाई अब तो XSR 125 भी कमिंग सून में चल रही है। यामाहा की XSR 155 तो बहुत ही लंबे समय से कमिंग सून में चल ही रही थी, लेकिन भाई यामाहा की जो फेजर है वो आपको 150 सीसी में पहले मिलती थी, लेकिन अब आपको यामाहा की जो फेजर है वो आपको 125 सीसी में मिल जाएगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे लुक और डिज़ाइन के साथ मिलने वाली है, जो कि भाई फेजर 125 काफ़ी वैल्यू फॉर मनी साबित होने वाली है। और भाई इंडिया में जो है अब 125 सीसी की जो डिमांड है और जो मार्केट है, जो सेल फिगर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि भाई पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिससे कि लोग अब छोटे इंजन की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, जिससे कि उनको गाड़ियों का जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा मिल जाए और जो लुक रहे वो उनको काफ़ी अच्छा मिले। इसीलिए भाई सभी कंपनियां अब अपनी गाड़ियों को 125 सीसी में लॉन्च करने का प्लान बना रही हैं। यामाहा फेजर 125 की पूरी जानकारी के लिए भाई नीचे मैंने लिंक दे रखा वेबसाइट का, वहां जाकर आप यामाहा फेजर 125 की पूरी जानकारी फुल डिटेल में पा सकते हैं वेबसाइट पर। तो अब हम बात करते हैं फेजर 125 के बारे में। तो भाई ये गाड़ी आपको सेम टू सेम यामाहा फेजर 15 के जैसी मिल जाएगी, जो कि अभी आपको वीडियोस में दिख रहा है। ये भाई गाड़ी आपको सेम टू सेम वैसी मिलेगी, लुक वाइज आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। फेजर 125 में भाई आपको जो है स्प्लिट सीट वगैरह मिल जाएगी, इसका जो इंजन है वहाँ पर आपको इंजन काउल वगैरह भी मिल जाएगा। गाड़ी के जो कंसोल्स हैं भाई वो भी आपको मिलेंगे फुली डिजिटल, और जो गाड़ी का हैंडल बार है वो आपको मिलेगा सिंगल पीस। फेजर 125 भाई आपको जो है ट्विन हेडलैम्प मिल जाएगा, जो कि आपको मिलेगा हेलोजन, और इसके जो टेल लैंप है वो आपको मिलेंगे LED के, और जो गाड़ी के इंडिकेटर्स हैं वो आपको मिलेंगे हेलोजन के। और भाई ये गाड़ी आपको हाफ फेयरिंग के साथ मिल जाएगी, जैसा कि आपको फेजर पहले इंडिया में मिलती थी 150 सीसी के साथ, वरना भाई जो फेजर 25 थी वो आपको फुल फेयरिंग मिलती थी, लेकिन आपको 125 हाफ फेयरिंग के साथ मिल जाएगी। फेजर 125 भाई आपको जो है फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, रियर में आपको मिलेगा ड्रम ब्रेक, लेकिन आपको इस गाड़ी में जो है ABS वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा CBS। फ्रंट में आपको मिलेंगे 100mm के टायर, रियर में आपको मिलेंगे 140mm के टायर, और इसके जो टायर्स होंगे भाई वो आपको मिलेंगे ट्यूबलेस 17 इंच की अलॉय व्हील के साथ। फेजर 125 में भाई आपको जो है फ्रंट में मिलेगा टेलीस्कोपिक का फॉर्क, रियर में आपको मिलेगा मोनोशॉक एब्जॉर्बर, और इसके जो स्विंग आर्म्स हैं वो आपको लोहे के मिल जाएंगे। और भाई गाड़ी का जो साइलेंसर है और जो गाड़ी की पूरी फेयरिंग है वो आपको फेजर 15 के जैसी मिल जाएगी, लुक वाइज आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, लेकिन जो गाड़ी का डायमेंशन और वेट है उसमें आपको चेंजेस तो मिल ही जाएंगे। फेजर 125 में भाई आपको जो है 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिल जाएगा, जो कि आपको मिलेगा FI के साथ। गाड़ी में आपको लगभग 12 HP के आसपास का मैक्स पावर मिलेगा, और इसका जो टॉर्क है वो आपको लगभग 11 Nm के आसपास का मिल जाएगा। फेजर 125 भाई आपको जो है सिंगल सिलेंडर 5-speed गियर बॉक्स मिलेगा, जिससे कि गाड़ी का जो माइलेज है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, और जो टॉप एंड है वो भी आपको सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक मिल जाएगा। तो फाइनली बात करते हैं फेजर 125 के प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। तो भाई ये गाड़ी आपको लगभग इंडिया में 90,000 रुपये के आसपास तक एक्स शोरूम मिल जाएगी भाई, जो कि यामाहा की ओर से ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज रहेगा। तो अब हम बात करते हैं गाड़ी के लॉन्च के बारे में। तो भाई ये गाड़ी आपको लॉकडाउन खोलने के बाद ही मिलेगी, और भाई वैसे भी अभी तो कोई भी चांस नहीं है, ये गाड़ी आपको लॉकडाउन खुलने के 3 से 4 महीने के बाद मिल ही जाएगी, वरना भाई ये गाड़ी आपको अगले साल के शुरुआत में तो डेफिनेटली मिल ही जाएगी। यामाहा फेजर 125 की पूरी जानकारी के लिए भाई नीचे मैंने लिंक दे रखा वेबसाइट का, वहां जाकर आप यामाहा फेजर 125 की पूरी जानकारी फुल डिटेल में पा सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि भाई आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।